और चलते चलते ये होजरी का मार्केट है जहाँ पर, तो देखे ये अपना दुकान पूरी उठा कर चलता है। तेन सेका नहीं पता जो चकता इतों तू? अच्छा 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 तो ये पूरी दुकान लगा रखी है, साफ सफाई बहुत रखी है, मक्खी मच्छर से बचाव करता है तू तो है। और तेरा घी भी बढ़िया है ना, देखे तेल देखिए इसका, देख तेल दिखा रहा है, ये तेरा नया तेल है, देखिए नया तेल डालते हैं क्योंकि हर बार ये नया तेल डालता है। कितने के समोसा है? 20 रुपए से 3 समोसे है। तो समोसे बच्चे कह लो तुम है, तो किन्ने समोसे बिक जाते तेरे दिहाड़ी से? 300-400 समोसे। 300-400 बिक जाते टोटल मिला के कितनी दिहाड़ी पड़ जाती है? 300-400 की पड़ जाती है। हाँ 700-800 हज़ार रुपये। अच्छा वो तो दिखा, वो खा रहा है इधर, दिखा इधर, वो देखो वो देख, वो खा रहा है वो। लंच टाइम हो गया ना, दिखाओ, दिखा दे यार उधर, खाता दिखा दो। हाँ ठंडी सीजन में बढ़िया चलता है काम, सर्दी में बढ़िया चलता है, गर्मी में मंदा हो जाता है। गर्मी में लोग घरों में घुसड़ जाते हैं, सर्दियों में बाहर बैठे होते हैं धूप में। तो कौन से ज़िला से आप? मैं प्रतापगढ़ से। हाँ यूपी से हो? हाँ। कितने साल हो गए लुधियाना में? 30 साल हो गए। कितने? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए लुधियाना में, छोटा सा जब तुम आ गया था। कौन से मोहल्ले में रहता है? नवे मोहल्ले में रहता है ये, पुराने शहर में रहता है ये। 30 साल हो गए इसको। तो यहाँ पर तो सारा होजरी का कारोबार है ना, जहाँ पर ये होजरी वाले खाते हैं सभी। अरे 20 रुपये में आता ही क्या आजकल, जो चटनी भी देता होगा सर। हो गई जी, मैं 5 रुपये के 3 समोसे बेचता, पहले 5 रुपये के 3 समोसे देता था, फिर बाद में 2 किया, फिर 5 के 2 किया, फिर 10 के 3, हाँ अब 20 के 3 हो गए हैं। और देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, और चीज़ भी बढ़िया बना के देते हो ना तुम, तो तुम्हारे को तो यानी पूरा आ गया होगा बनाना अच्छी तरह जो है। देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है ना इसमें। खाइए जी, दो खाइए, बहुत बढ़िया समोसा होता है, फेमस है। नहीं उसी ना उस खा के आए हैं, कि खा के आए हैं, अब मटरी नहीं दयाल वाला सबने यार में देखा है? हाँ जी, दयाल दयाल स्वीट वाला। हाँ हाँ, तो उसी के पास रुके हुए थे हमने, तो इसका स्वाद हमने वहाँ ले लिया है। मैं उधर गुड़ मंडी में बेचता हूँ। हाँ बस वो दयाल के अभी देखना तुम, वो उसका बड़ा दुकान है जलेबी वाला, वो खाओ। नहीं फिर खाएंगे, कोई बात नहीं, तेरा हमने देख लिया कि बहुत बढ़िया सामान है। इसमें क्या रखा हुआ है? कच्चे समोसे। अच्छा कच्चे समोसे घर से लाता है ये बना के? अच्छा पहले तैयार करके लाता है वो सारा, जान के देख के दिखा ये मेहनत कैसे करता है ये। क्या नाम है तेरा? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, शर्मा जी हैं ये देखिए। और सुरेश शर्मा जी कितनी मेहनत करते हैं, घर से बना कर लाते हैं, और देखिए 300-400 समोसा लग जाता है इनका। ठीक है सुरेश, तेरा सामान देखा बहुत बढ़िया है, और तू मेहनत भी बढ़िया करता है, पर तेरे का बना कुछ नहीं अभी तक है ना, बच्चे बढ़ा लिए? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास कर दिया? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर दिया, देखे पढ़ा लिया इसने बच्चे जो है। एक आदित्य बिरला कंपनी में लगा। एक आदित्य बिरला कंपनी में लग गया, बाकी और भी कहीं ना कहीं लग जाएंगे। कितने बच्चे तेरे? 2 बच्चे। बस 2 ही हैं यार, तुम 6-7 होने चाहिए थे तुम्हारे। हैं प्रतापगढ़ वालों के तो बच्चे ज़्यादा होते हैं। चलो ठीक है भैया, तुम्हारा ये सारा बढ़िया है, तो भैया कभी आपकी गली मोहल्ले में आए तो ज़रूर इसका समोसा खाना। धन्यवाद सुरेश शर्मा जी।